हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D वीडियो। तो आज की वीडियो में फिर से हम लोग इसके मिथबस्टर्स को कंफर्म या बस करने जा रहे हैं। और हमारा पहला मिथ ये है कि हमर कार जो है वो जॉम्बीज को मारती है। तो मैंने ले लिए हमर कार और जॉम्बीज को भी स्पॉन कर दिया है। तो हम लोग चलते हैं कुछ जॉम्बीज के बीचों बीच, जहाँ पे ये सारे जॉम्बीज आएंगे और मुझे मारने की कोशिश करेंगे, तो हमें मालूम चल जाएगा कि भाई हमर में कितना दम है। तो इधर खड़े हो चुका हूँ मैं और जॉम्बीज आना चालू हो चुके हैं मेरी तरफ, गेट पूरे टूटे हुए, लेकिन जॉम्बीज के बस में नहीं है कि मुझे हाथ लगा दे। गाइस, हमारी हमर हमें जॉम्बी से बचाती है, कोई भी हमें मार नहीं सकता है। तो ये मिथ कंफर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि थार का RGB फॉर्म जो है वो चेंज हो गया है अपडेट के बाद। तो अपडेट में काफी चीजें चेंज हुई हैं, उनमें से ये भी हो सकता है। तो थार की चीट कोड है 9090। गैलरी में जाके हम इसको RGB करते हैं और मुझे लगता है शायद चेंज हुआ। ये सामने का पार्ट भी काफी अलग दिख रहा है, लेकिन गाइस मुझे यार याद तो है नहीं, तो आपको ही कमेंट में बताना है क्या ये मिथ कंफर्म्ड है या बस्टेड है। अरे भाई क्या बताऊं मैं। हमारा अगला जो मिथ है वो साइकिल का है और स्विमिंग पूल के अंदर हमें उसे करना है। ठीक है, तो इसमें जो करना है वो लिखा तो बहुत लंबा है, तो हम एक एक करके सब करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को साइकिल स्पॉन करनी है स्विमिंग पूल के अंदर, फिर हमें इससे उतर जाना है, क्योंकि उतरने के बाद हमारी साइकिल का ऑप्शन गायब तो होता नहीं है। फिर हमें स्विमिंग पूल के ऊपर चढ़ जाना है और फिर चलना है एक कार के पास जो कि यहीं रखी हुई है, फिर हमें इस पे बैठना है। तो अब दोनों ऑप्शन पे हम लोग बैठ चुके हैं और हम लोग वापस साइकिल में आके बैठ चुके हैं। फिर हमें वापस उतरना है और वापस उस कार के पास जाना है, लेकिन इस बार ऑप्शन नहीं आएगा। और इधर हमें अब कार के पास स्पॉन करनी है एक जेट पैक। इसका गेट देखो थोड़ा सा खुला हुआ है, मतलब कि ग्लिच हम लोग सही कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक जेट पैक स्पॉन करता हूँ मैं 320 से। अब हमें इन दोनों के ऑप्शन में साथ में बैठना है, तो यहाँ पे मैं बैठ चुका हूँ और अब देखते हैं क्या होता है। लगता है कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, बैठ तो गया शायद से। ओके गाइस, तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है? ओहो, अरे मेरा बंदा तो नीचे रह गया, जेट पैक ऊपर चला गया। इसकी टांगे कैसे घूम रही है स्क्रू की तरह? यार जेट पैक मुझे ऊपर खींच रहा है लेकिन मैं नीचे की तरफ हूँ गाइस, मतलब जेट पैक में बैठा हूँ लेकिन हवा में भी बैठा हूँ। और मेरा कैमरा पता है हिल नहीं रहा है, मतलब कि मेरा कैमरा जो है वो यहीं पे फिक्स है गाइस। आप देख सकते हो कि बंदे के साथ जा नहीं रहा है, यहीं से देख रहा है जहाँ देख सकता है। अगर मैं ज़्यादा दूर चला गया या फिर कहीं और चला गया तो शायद मैं देख भी नहीं पाऊंगा कि मैं हूँ कहाँ पे और मेरा बंदा कहाँ पे जाके उड़ रहा है। ठीक है, तो यही ग्लिच है और ये मिथ कंफर्म्ड है। हमारा अगला मिथ है कि हॉर्स के ऊपर साइकिल स्पॉन करके उतरना है फिर बैठना है, बहुत फनी चीज होती है। तो इस मिथ के लिए हम लोग को पहले हॉर्स स्पॉन करना है और इसके जस्ट ऊपर साइकिल को स्पॉन कर देनी है। तो ये एक के ऊपर एक आ गया, फिर हमें बैठना है इस पे और फिर वापस उतर जाना है ना। ठीक है, अभी तो बैठ चुका हूँ तो इनविजिबल ग्लिच लगता है। हाँ ठीक है, उतर गया मैं, फिर वापस बैठा और इधर कुछ भी नहीं दबा, मेरी साइकिल उड़ गई। भाई इसको उड़ना नहीं था तो फिर शायद ये मिथ होता। ये मेरे बंदे को क्या हो गया यार, ये क्या पोज लेके खड़ा हो गया, ये खतरनाक पोज है भाई, ये क्या मून वॉक कर रहा है, वाह क्या सीन है, माइकल जैक्सन बन गया ये गाइस, कैसे चल रहा है ये, इतना खतरनाक पूरी बॉडी दिख रही है यार, एक हाथ पता नहीं क्या पकड़ा है, ये साइकिल का हैंडल है क्या। ठीक है गाइस, तो फिर से करते हैं, ये ग्लिच तो कुछ अधूरा सा हो गया है। ठीक है, अब वापस मुझे इसके ऊपर जाना है। यार ये साइकिल नीचे गिर गई, काफ़ी मुश्किल है मिथ परफेक्ट करना ना, थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि ये हो कुछ भी रहा है ना, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है एग्जैक्ट हमें चाहिए क्या। इस बार अच्छे से ऊपर आ गया हूँ मैं। ठीक है, अब हम उतरते हैं, बस साइकिल गिरे नहीं भाई, ये गिर क्यों जाती है। ठीक है, ये क्या हुआ, मैं उल्टा लेट गया हूँ भाई, साइकिल में उल्टा लेट के चला रहा हूँ। ये देखो फर्स्ट पर्सन में आपको दिख रहा होगा, एक तो ये CCTV ग्लिच भी हो गया ना, तो समझ नहीं आ रहा। ये देखो गाइस, हमारा जो बंदा है इसकी एक टांग नीचे है और साइकिल पूरा उल्टा लेट के चला रहा है। यार ये है ना कुछ फनी, इसे बोल सकते गाइस काफ़ी फनी है ये, क्योंकि भाई मेरा बंदा कुछ अलग ही पोज में चला रहा है साइकिल, समझ ही नहीं आ रहा मुझे तो। ठीक है, तो ये मिथ कंफर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि हम लोग को स्विमिंग पूल के अंदर साइकिल स्पॉन करनी है और उसमें बैठेंगे ना तो टायर के पास कुछ लाल खून जैसा निकलता है। ठीक है, तो हम लोग करते हैं स्विमिंग पूल में स्पॉन साइकिल को। 1111 है इसकी चीट कोड। आज साइकिल वाले आ रहे हैं सारे मिथ गाइस, और साइकिल लाल है। और एक और चीज़ लाल है, मैंने बताई थी भाई मेरा सब्सक्राइब बटन, यार तो जाके यार सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अब हम लाल खून भी देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये लाल खून सच में आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? नहीं यार ये तो धुआं है गाइस, साइकिल का धुआं है, लेकिन भाई स्विमिंग पूल के अंदर वो लाल कलर का दिख रहा है ना, तो ऐसा लग रहा है कि भाई खून जैसा दिख रहा है। अगर आप उस एंगल से देखोगे तो ऐसा लग रहा है, सामने से तो वो धुआं जैसा ही लग रहा है, थोड़ा आगे पीछे करके देखते ना तो देखो जैसे यहाँ से ऐसा लग रहा है भाई कि साइकिल में से खून निकल के आ रहा है। तो ठीक है, तो ये मिथ कंफर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि JCB के कंट्रोल में कुछ नहीं है, बस स्टीयरिंग है। तो भाई फिर इतने सारे जो बटन हम लोग दबाते हैं वो अंदर है ही नहीं, तो फिर क्या हो रहा है?
ठीक है, बुलाते हैं 6677 से JCB को और बैठते हैं इसके अंदर। गाइस फर्स्ट पर्सन में करूँगा तो बहुत ही जल्दी आपको देखना पड़ेगा, है ना। यहाँ से भी अगर आप देखोगे ना तो मुझे यार सिर्फ स्टीयरिंग ही दिखाई दे रही है, बाकी कोई बटन तो दिखाई दे नहीं रहे। हाँ यार खाली है, ये तो पूरा डब्बा है गाइस, इतने सारे बटन यहाँ पे, 4, 6, 4 नीचे इतने बटन जो है, ये कहाँ पे गाइस? ओ चूना लगा दिया। और आगे पीछे के तो मैंने गिने ही नहीं अभी, तो फिर ये बटन ये दबा किस रहा है बंदा? मेरे बंदे के अगर मैं हाथ में देखूँ तो ये स्टीयरिंग ही पकड़ा है भाई, कोई बटन वटन दबाता नहीं है। ठीक है अलग से ऐड कर दिए, कोई बात नहीं यार, लेकिन ऐड करते तो और अच्छा लगता। तो ये मिथ कन्फर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि न्यू अपडेट के बाद जो पुलिस हमें मारनी आती है उनके सायरन की आवाज़ नहीं आती है, लेकिन जो हम लोग स्पॉन करते हैं गाड़ी पुलिस की उसमें आती है। तो मैं आप सबको बता दूं कि पिछले अपडेट तक भाई पुलिस की गाड़ी में सायरन की आवाज़ आती थी और सायरन जलता भी था, लेकिन इस अपडेट में क्या हुआ है कि जो पुलिस का सायरन है वो ऑफ कर दिया गया है। ठीक है आप देख सकते हो पुलिस की जो गाड़ियाँ आ रही है इनमें से कोई आवाज़ नहीं आ रही, ना ही सायरन जल रहा है। लेकिन अगर मैं पुलिस की गाड़ी स्पॉन करता हूँ जो कि होगी 100 की चीट कोड से, तो आप देख सकते हो सायरन की आवाज़ आती है और सायरन भाई जलता भी है, भुकभक भुकभक। तो ये मिथ कन्फर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि अगर हम हमर की डिग्गी में चढ़कर स्टिकी बॉम्ब हमर में मारें तो फिर देखो मैजिक। हमर की डिग्गी में चढ़ना एक तो यार अलग मुश्किल काम है, तो इधर मैं आ चुका हूँ हमर की डिग्गी में या फिर पिकअप वाली जगह पे आप बोल सकते हो। तो ये यहाँ पे मैं खड़े होकर स्टिकी बॉम्ब मारता हूँ और जब जब मैं स्टिकी बॉम्ब मारता हूँ मैं डिग्गी के अंदर चले जाता हूँ और फिर ऊपर आ जाता हूँ। भाई ये क्या चीज़ है, मतलब ये भी सही गाइस, इससे आप ये भी कर सकते हो पता है कि अब ऊपर आने की मैं ट्रिक बताता हूँ कि अगर आपको ऊपर आना है ना, ये क्या हो गया? चलो पहले ये वाला सीन बाद में देखेंगे, मैं जल्दी से बताता हूँ इससे पहले मेरा बंदा गिर जाएगा इस, कि अगर आपको डिग्गी पे चढ़ना है तो फिर आप ऐसे स्टिकी बॉम्ब लेके आओ हमर के पीछे डिग्गी के पास और मारो स्टिकी बॉम्ब, तो आप अपने आप देखना उसकी डिग्गी में चढ़ जाओगे। ये ट्रिक है ऊपर चढ़ने की। देखो मैंने नीचे गिरने से पहले बता दिया, इसलिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ये मिथ कन्फर्म्ड है। मजा आया। हमारा अगला मिथ यह है कि वर्जन 19 में NPC की बुगाटी को RGB करो। तो इधर आप देख सकते हो हम लोग पुराने वर्जन में आ चुके हैं गाइस, जहाँ पे हम लोग ओल्ड हाउस में स्पॉन होते थे, हमारा प्यारा ओल्ड हाउस, और यहाँ पे हमारी बाइक भी स्पॉन होती थी और मुझे बुगाटी भी दिख गई है। ये NPC ऐसा क्यों खड़ा है भूत जैसा? ठीक है मुझे बुगाटी भी दिख चुकी है। ओल्ड वर्जन यार काफ़ी ओल्ड लगता है, लेकिन सच में यार खेलो तो। ये देखो लाइट भी जलती थी पहले दिन के टाइम पे जब नाइट मोड नहीं आया था, और ये बुगाटी वाला पहले रोकता भी नहीं था, मतलब पहले लोग इज्जत से रहते नहीं थे, हम लोग को इनको इज्जत में लाना पड़ेगा, इसके सामने आके अपनी गाड़ी रोकते हैं। रुक जाओ भाई, तो तेज़ भी भगा रहा है यार काफ़ी, भाई रुक ही नहीं रहा, पहले बहुत बदतमीज़ हुआ करते थे क्या ये लोग? रुक जा जरा, यहाँ पे गुंडा मैं हूँ कि ये है? ठीक है मैं उतर चुका हूँ, अब चलते हम लोग इसके पास, गैलरी खोलते हैं और RGB करनी हम लोग को इसकी गाड़ी को। ठीक है ये RGB किया भाई, गाड़ी इनविजिबल, ये क्या है, सिर्फ टायर दिख रहे हैं भाई, गाड़ी कहाँ गई? ऊपर की गाड़ी गाइस इनविजिबल हो चुकी है भाई, क्या मिथ है यार, मजा आ गया, नाइस ग्लिच गाइस। बंदा भी दिख रहा है और हम लोग को ऐसा लग रहा है कोई फ्यूचरिस्टिक गाड़ी चला रहा है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है। और हाँ पीछे एक दूसरी गाड़ी वाला है तो इस पर ट्राई करके देखते हैं। मिथ में वैसे बुगाटी का लिखा था, देख लेते हैं इसका भी, भाई इसकी भी गायब, कोनी शेक में भी हो रहा है ग्लिच, पीछे से एक ऑडी भी आ रही है भाई, लाइन से सब आते जा रहे हैं, इस पर भी ट्राई कर लेते हैं, इसके में आई नहीं रहा। हाँ आ गया गाइस, ये भी गायब भाई, सारी गायब, सिर्फ बुगाटी नहीं सब, देखो सबके सब अब सेम गाड़ी वाले लग रहे हैं। ठीक है और NPC तो सेम है ही, तो ये मिथ कन्फर्म्ड है। तो अगर गाइस आपको ये मिथ अच्छे लगे यार तो वीडियो को यार प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना, भूलना मत, आप लोग भूल जाते हो हर बार, और कमेंट भी करना मत भूलना अपने नए नए मिथ्स, ताकि हम उनको ले अगले मिथ्स की वीडियो में। और मेरी पिछली वीडियो आपको देखनी हो इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D की, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी, देख लो दबा के।